अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटलाइन टीवी के साथ मैं हूँ गज़ल खान। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बहुत ही तारीखी मुकाम पे आए हुए हैं, बादशाही मस्जिद के पास फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर एक बहुत ही तारीखी रेस्टोरेंट है, कुकी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि इसकी बिल्डिंग को देखें, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ये बिल्डिंग यूँ लगती है जैसे अभी बनाई गई है। तो अभी चल के देखते हैं अंदर के, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी इसका मटेरियल जूं का तूं के, और इतनी खूबसूरत ये कैसे दिखती है। तो आए चल के देखते हैं अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप यहाँ पर एज ए क्या हैं? मैं जी एज ए ओनर हूँ यहाँ पे। 1996 से हम लोग यहाँ पे ये काम हमने स्टार्ट किया था। 47 में हम लोग इंडिया से आए थे पटियाला से, तो तब से ये बिल्डिंग हमारे पास है और हम इसे ओन करते हैं। दरमियान वाले पोर्शन में हमारी रहाइश है और छत पे हम लोग ये काम करते हैं जी, और 1996 से लेके अब तक यानी कि हम ये बखूबी ये काम अंजाम दे रहे हैं जी। आपको कभी लगा है कि ये जो यहाँ पर इसका मटेरियल है, मूर्तियाँ बनी हैं यहाँ पर, ये अलग अलग किस्म की, ये हिंदुइज्म सिस्टम है और आप यहाँ एक मुस्लिम कल्चर को लेके बैठे हैं, ये थोड़ा सा मायूब नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एक विरसा है जिसको हमने संभाल के रखा हुआ है। ये जब हम आए थे तब ये चीज़ें हमें एज इट इज़ ही मिली थी और इन्हें हमने प्रिजर्व किया है, इसको ख़राब नहीं किया। ये एक हमारा कौमी विरसा है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। यानी कि मज़ाहिब जो हैं वो सब काबिल एहतराम हैं, इंसानियत सबसे बढ़ के है जी। अच्छा, सही हो गया। लेकिन एक चीज़ और जाननी है कि यहाँ पर जितनी फैमिलीज आती हैं वो अच्छे से खाना खा के जाती हैं, महसूस होके जाती हैं, आपको कैसे लगता है? बड़ी खुशी होती है जी कि वो जैसे आप प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ आए थे, फिर वो बड़ा वो खुश होके यहाँ से गए और बड़ा ये अच्छी एक हमने रिवायत डाली इस इलाके के लोगों के लिए। ये इलाका काफ़ी बैकवर्ड था, लोग आते नहीं थे यहाँ, शुरू में हमें काफ़ी मुश्किलात हुई, लेकिन अब ये एक फूड स्ट्रीट बन गई है, दुनिया से दूर दराज से लोग आते हैं और एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी मेहनत तो हमारी काविशें जो हैं वो रंग लाई हैं। यहाँ और भी रेस्टोरेंट हैं, कुकूज रेस्टोरेंट के आगे पीछे दाएं बाएं हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपका रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा चल रहा है या उनके अच्छे चल रहे हैं? इसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है जी। हम लोग यानी कि 1996 से काम कर रहे हैं, ये जो रेस्टोरेंट है ये 2014 में फूड स्ट्रीट बनी थी तब आए हैं, लेकिन अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि और भी मज़ीद रेस्टोरेंट्स यहाँ आएँ और आके कारोबार स्टार्ट करें, अच्छा काम है यहाँ। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा फूड्स देते हैं आप, जंक्शन फूड्स होता है या रवायती खाना भी होता है यहाँ पर? ये रवायती खाने हैं जी, पाकिस्तानी फूड्स हैं सारे, कुछ इंडियन फूड्स हैं, ये हमारी घरेलू रेसिपीज़ हैं कुछ, तो वो सारा मिक्स है, सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन फूड्स ही हैं बाकी, और जंक फूड नहीं होता यहाँ जी। जब इंडियन डेलीगेशंस वगैरह आते हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो भी यहाँ पर आते हैं? जी आते हैं, जैसे अब पीछे ये गिप्पी गिरीवाल आया हुआ था, इंडियन क्रिकेट टीम जब क्रिकेट के द्वार चलते थे तो वो आई थी, इंडियन एक्ट्रेस काफ़ी आए थे, लेकिन वो बड़ा महसूस होते हैं और खुश होते हैं कि हमारी जो जैसे ये मूर्तियाँ हैं उनको संभाल के रखा हुआ है और उनको कोई ख़राबी नहीं है उनमें, तो बड़ा खुश होते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी। आप इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहें हमारे टीवी चैनल के हवाले से अपने रेस्टोरेंट के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर क्या बताना चाहेंगे कि हमारा खाना यहाँ का कैसा है, रवायत कैसी है? देखिए जी, अंदरून शहर के खाने तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, काबिल अंदरून शहर के जो हैं बहुत मशहूर हैं। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा सारी दुनिया को, पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और अंदरून शहर के खाबे रवायती खाने नाश्ते ये मिस ना करें, और दूर दराज से लोग आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, तो यही गुजारिश है कि ये एक सेफ मुल्क है और सेफ एनवायरनमेंट है, ज़रूर आएँ, ज़रूर इस जगह का विज़िट करें और मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने आपको अपनी सकाफत दिखाई है, वर्षा दिखाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है और उसके सामने ये कुकूज रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। DOP यकूब भट्टी के साथ गज़ल खान, हॉटलाइन टीवी, लाहौर।